जय माता दी साथियों, स्वागत है आपका हमारे राम मंदिर अयोध्या धाम के ब्लॉग में, जिसमें हम जा रहे हैं सरयू नदिया के घाट पे। अभी हम गोंडा धाम की बस से अयोध्या धाम आए हैं और अयोध्या में उतरकर अब यहाँ से हम सरयू नदी के लिए ऑटो पकड़ेंगे। सूर्य देवता अपने सात घोड़ों के साथ कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये अयोध्या से लखनऊ चारबाग के लिए बस खड़ी थी, साथ है दो पार्टनर राजबहादुर शुक्ला जी और उनके प्यारे जीजा शुक्ला जी आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं, आगे हम ऑटो पकड़ते हैं सरयू नदी के घाट पर जाने के लिए अयोध्या धाम के चौराहे पे आके। अयोध्या चौराहे पे ये जाने का रास्ता और आने का रास्ता दोनों हैं। यहाँ से हम सरयू नदी के घाट जाने के लिए दूसरी साइड जा रहे हैं सड़क के। तो हमने अपने साथियों से पूछा कि हमें कहाँ जाना है पहले, तो उन्होंने कहा नहाने के लिए। पहले कहाँ जाना है? हनुमानगढ़ी चलेंगे, राम मंदिर घूमेंगे। ठीक है, स्नान के लिए कहाँ जाना है पहले? जी, तो सरयू नदी जाने के लिए लोग हम बैठ गए ऑटो में जो कि सरयू घाट जा रहा था अयोध्या चौराहे से, जिसमें हमें संगी साथी भी मिल गए। सरयू नदी घाट पे पहुँचने के बाद हम लोग ऑटो से उतर कर पैदल चल पड़े। गर्मी में प्यास बहुत लगी, तो ठंडे पानी से हमने पहले अपनी प्यास बुझाई। पानी बहुत ठंडा था, पी के मज़ा आ गया। पानी पीने के बाद हम और आगे बढ़े तो जहाँ हमें चौधरी घाट नज़र आया, चौधरी घाट बिल्कुल खाली नज़र आ रहा था। साथियों से पूछा क्या यही नहा ले, तो उनका मन था नहीं, हम लोग सरयू घाट पे ही नहाएंगे जहाँ पे आरती होती है। आगे हमें अयोध्या कॉलेज नज़र आया जहाँ पे श्री राम जी की बहुत ही सुंदर मूर्ति बनी हुई थी। सरयू नदी का अतिथि ग्रह रहा और अतिथि ग्रह के आगे ये हेलीपैड जहाँ पे जहाज उतरता है, और हेलीपैड के बिल्कुल साथ में ही है संत तुलसीदास का घाट। और ये वहाँ से ट्रेन आती हुई नज़र आ रही थी, जिसका हमने छोटा सा वीडियो शूट करने की कोशिश की। वीडियो शूट करने के बाद हम आगे बढ़े, यहाँ पे मंत खाना था। मंत खाना के बिल्कुल सामने नीचे उतरते हुए सामने सरयू नदी का घाट नज़र आ रहा था। घाट पे यहाँ शौचालय की पूरी सुविधा उपलब्ध थी, लेडीज़ जेंट्स दोनों की, रहने के लिए भी छोटे छोटे तंबू लगाए हुए थे। सरयू घाट पे हमें बहुत सारे लोग मिले जो कि नहाते हुए यहाँ पे पूजा पाठ कर रहे थे, और सरयू नदी पर ही नहाने का मान। सरयू नदी के किनारे घाट पे छोटे छोटे डब्बे लगे हुए थे।